माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा करेले गोश्त का सालन जो है, करेले गोश्त की सब्जी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और डिलीशियस बनी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को, करेले गोश्त की सब्जी को कैसे बनाना है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की जो मैं रेसिपी लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, और वो है करेले गोश्त की रेसिपी। तो मैं इसमें गोश्त जो है वो बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वो मैंने पहले से बॉयल कर लिया है। तो जिसके लिए मैंने देखिए एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने 1.5 चम्मच जो है वो ऑयल का इस्तेमाल लिया है, और साथ मैंने 2 जो है वो दरमियाने साइज़ के जो है वो प्याज ले लिया, उनको कट करके डाल दिया है। आँच मैंने जो है वो ऑन कर दी है। तो अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। साथ साथ मैं बताती हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने और ऐड करनी है, तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को फुल वॉच करना है आपने। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं आज। तो देखिए प्याज जो है वो हमारे हाफ डन हो चुके हैं। तो अब इसमें जो मैं चीज़ शामिल करूँगी तो वो है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। तो बिस्मिल्लाह रहमान, इसको भी शामिल कर देंगे। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने शामिल कर दिया, इसकी भी अच्छी तरीके से बनाई करनी है। और उसके बाद जो जो चीज़ शामिल करनी है वो भी मैं बताती हूँ आपको। अब मैं जो है ना 1 टीस्पून जीरा इसमें शामिल कर लूँगी। तो 1 टीस्पून जीरा शामिल करके तो हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे इसमें। तो चलिए जीरे को डाल को भी हमने भून लिया और पानी लगा के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, प्याज लहसुन और जीरे को। तो अब मेरे पास जो है ना 2 मेरे पास टमाटर है, इनको मैंने जो है ना कट कर लिया चॉप, और साथ इसमें 3 जो है मेरे पास सब्ज़ मिर्चें, इनको भी शामिल कर देंगे हम। तो देखिए टमाटर और सब्ज़ मिर्चों की भी अच्छी तरीके से बनाई हो चुकी है। तो अब मेरे पास है 1 kg जो है 1 किलो बीफ का गोश्त है, जिसको मैंने 18 मिनट लगा के इसको गला लिया था, इसको भी शामिल कर देंगे हम। तो अच्छी तरीके से ये गल चुका है, तो अब इसको डाल के भी हमने ग्राई कर लेनी है 2-3 मिनट तक। तो चलिए गोश्त को डाल के भी 2 से 3 मिनट तक मैंने इसकी बनाई कर लिया। तो अब इसमें स्पाइसेस हम डालेंगे, जिसके लिए 1/2 टीस्पून उसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर ले लिया है, और 1/2 टीस्पून उसमें मैंने नमक ले लिया है, क्योंकि नमक हमने करेलों को भी लगाया है, इसलिए हम देख के ही डालेंगे, हिसाब से डालना है आपने। और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कुछ धनिया का पाउडर ले लिया है, और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने गर्म मसाला पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है, और 1 टीस्पून इसमें मैंने दड़ा मिर्च जो होती है कुटी हुई लाल मिर्च वो ले ली है, और 1 टीस्पून इसमें मैंने पीसी हुई लाल मिर्च ले ली है। तो इन सब स्पाइसेस को हम शामिल कर देंगे। तो सबको शामिल कर दिया, तो अब इसकी बनाई करनी है। तो इसके साथ और जो चीज़ शामिल होनी वो भी मैं बताती हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जो है ना ये देखिए साथ ही अब इसके 1/2 कटोरी जो है मैंने दही की ले ली है, तो दही को भी शामिल कर देंगे हम। तो दही को शामिल करके भी इसकी अच्छी तरीके से बनाई कर लेनी है। तो ये देखिए साथ मैंने 1 किलो जो है वो करेले ले लिए थे, तो उनको भी अच्छी तरीके से इनको फ्राई कर लिया है, और इनके मैंने ऊपर से स्किन जो है वो नहीं रिमूव की, आप चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, तो लेकिन मैंने नहीं की। तो उनको अच्छी तरीके से आप फ्राई कर लिया, तो आप अपने गोश्त में इनको डाल लेंगे। तो चलिए गोश्त का जो हमारा मसाला है वो रेडी है। तो अब इसमें जो करेले मैंने फ्राई करके रखे हैं, तो 1 किलो जो करेले हैं अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, तो इनको हम शामिल कर लेंगे। इनको जो हमने नमक लगाया था वो इनमें है अभी, इसलिए नमक आपने कम ही डालना है, और देख के डालना है कि अगर ज़्यादा ना हो जाए, और क्योंकि नमक करेलों का नमक ज़रूर लगाते हैं, इस तरह ये कड़वे नहीं होते। तो अब ये डाल लिया मैंने, इसमें मिक्स कर लेती हूँ और इसको 5 मिनट तक दम लगाती हूँ, फिर बाद में आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और फाइनल लुक आपने ज़रूर देखनी है। देखिए माशाल्लाह से जो है ना हमारा करेले गोश्त का सालन, करेले गोश्त की सब्ज़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अब मैं एक बाउल में इसको निकाल लूँगी, तो बड़े ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बना है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा करेले गोश्त का सालन, करेले गोश्त की सब्ज़ी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। तो बहुत ही इसमें कोई टाइम नहीं लगता, कोई इतनी मेहनत नहीं लगती, तो झटपट से ये तैयार हो जाती है, तो सबकी फेवरेट होती है, तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं आपको अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफिज़।